इंस्पेक्टर विजय कुमार बात कर रहा हूँ। अभी 10 मिनट पहले मैंने 4 लड़के रेस्ट किए हैं, उनमें से एक लड़के ने आपका नंबर डेल करके दिया कि मेरी घर पे बात करवा दे। क्या नाम है आपके बेटे का? राहुल। हेलो हाँ? राहुल राहुल राहुल, ये राहुल कितने बरस का है? 21 साल का है। कितने साल का? 21 साल का। 21 साल का। आपको ये मालूम है ये कहाँ पे है? नहीं नहीं कहाँ पे अभी। हेलो आवाज नहीं। मालूम है ये कहाँ पे है? नहीं नहीं मालूम सर। ये स्टडी करता है या जॉब करता है? स्टडी करता है, स्टडी करने भेजा था इसको दिल्ली। हेलो। हाँ हाँ स्टडी करता है। ये कितने वर्ष का है? 21 साल का है। ये अभी मालूम है आपको किधर है? नहीं सर नहीं मालूम। क्या हो गया सर? सब ठीक तो है? ये बात करो अपने बेटे से। अच्छा हेलो राहुल को। राहुल सचर राहुल को लेकर आओ। ये राहुल से बात करो। हेलो 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 राहुल बेटा। हेलो क्या? हेलो राहुल क्या हो गया? राहुल साइड पे बिठाओ इसे। सर क्या हो गया सर? मीडिया घूम रही है। हेलो सर क्या हो गया सर? मेरे भाई मेरी सुन लो बात। ये आपका बेटा जिन दोस्तों के साथ अरेस्ट हुआ है उनपे रेप का केस था, लड़की का केस था। सर क्या बात कर रहे हो सर? दोस्त है जब इनको हमने अरेस्ट किया। सर क्या बात कर रहे हो सर? मेरा राहुल ऐसा नहीं कर सकता। नहीं सर वो मैंने उसको ऐसे नहीं। नहीं सर ऐसा तो वो नहीं। राहुल आप कुछ गलत फहमी हुई होगी सर। मेरे भाई वो गलत नहीं है। अगर बुरे लोगों के साथ घूमोगे फिरोगे लोग बुरा ही बोलेंगे, अच्छा थोड़ी ना बोलेंगे। बताओ मुझे, उसके जो दोस्त थे उनको तो 10-10 साल का सजा हो गया और 7-7 लाख रुपए फाइन हो गया। आपका बेटा मुझे शरीफ लगे, अच्छे खानदान से लगे, इसको मैंने साइड पे निकालकर अपनी कस्टडी में ले लिया है। ये मेरे पाँव में आके रोया है, गिड़गिड़ाया कि सर मैं ऐसा नहीं हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा करेक्टर ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अभी आप ने इसको छुड़वाना है या इसको भी मैं मीडिया के हवाले कर दूं? सर सर एक बार मेरी उससे बात करवा दीजिए एक बार। मेरे भाई मेरी सुन लो बात, मेरी वर्दी का मैटर है, मेरी इज्जत का सवाल है, आपकी भी समाज में इज्जत है, रिस्पेक्ट है। ठीक है ना? लड़की का केस है, रेप केस है, बड़े सुधारक तरीके से इसको अपने भाई निकालना है। आजू बाजू में मीडिया घूम रही है, मीडिया की नजर में लड़का आ गया ना तो पूरी उम्र एड़ियां रगड़ते रहोगे तो बेटा छूट नहीं पाएगा। ठीक है ना? बड़े साहब का भी कॉल आ रहा है मुझे अंदर, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि लड़का किधर है चौथा। मैंने अभी आपके बेटे का नाम नहीं लिया, उससे पहले पहले मैंने क्लियर करना है। ठीक है ना? लाइन पे रहेगी, ये आपका बेटा मैंने क्लियर करना है। अभी मैं आपको मुलाजिम का नंबर दे रहा हूँ। ठीक है ना? मेरे साथ 9-10 मुलाजिम थे जब मैंने इनको अरेस्ट किया है। ठीक है? इनका मैंने मुंह बंद करना है, अगर मुंह बंद नहीं करता हूँ ये बड़े साहब के आगे कुछ बक देंगे, बोल देंगे। अच्छा अच्छा आप सर सर हेलो मुलाजिम का सर आप कौन से स्टेशन से कहाँ कौन से स्टेशन से बोल रहे हो आप? मैं मेन सदर थाने से बात कर रहा हूँ, खुफिया ब्रांच सीबीआई ब्रांच से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर विजय कुमार। आप कौन से मतलब कौन से एरिया के ब्रांच से बात कर रहे हैं? कौन से थाने से, कौन से पुलिस स्टेशन से? अरे ये पूछकर आपने किसी की सिफारिश करवानी है क्या? जब बोल रहा हूँ ना बेटे को छोड़ दूंगा। नहीं एक्चुअली वहाँ पे मेरे बड़े भैया है, वहाँ पे IPS है तो मैं उनसे बात करवा लूंगा एक बार। मैं कहता हूँ आप ये पूछकर किसी की सिफारिश करवाते हो, मैं अभी आपके बेटे को दूं मीडिया के आगे, आपको पता लग गए फिर हैं? नहीं सर आप ऐसा मत करिए, आप एक काम, मैं अपने भैया से एक बार बात कर लेता, आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए। नहीं नहीं हमें किसी से नहीं करनी है बात। ठीक है ना? छुड़वाना है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर लो, नहीं तो मैं मीडिया के आगे दे रहा हूँ इसे। ठीक है ना? फिर तक है ना बताया नहीं था सर, आपको इसीलिए मैंने कॉल करके बताया। ठीक है सर आप बताइए अब करना क्या है। अभी मैं मुलाजिम का नंबर दे रहा हूँ, ये नोट करो। पाकिस्तान से बात। हेलो आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे अभी जितना वो कह रहा हूँ ना उतना करो, कहाँ से बोल रहे हैं? आपको नहीं मालूम है क्या? ये नंबर नोट करो 98। नहीं सर आप पहले आप बताइए आप कौन से स्टेशन से बोल रहे हैं, मैं खुद मिलने आऊंगा उससे। अरे कहीं पे आने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे को छोड़ देता हूँ, 7-2 मुलाजिम भेजूंगा, जिधर बोलेगा उधर छोड़ दूंगा। अगर आपने अपने बेटे को क्लियर करवाना है, बड़े साहब का भी कॉल आ रहा है मुझे अंदर, वो मुझसे पूछ रहे हैं लड़के के बारे में। अभी मैंने उनको बताया मैं फैमिली में बिजी हूँ। ठीक है ना? सर कोई बात नहीं, अगर सच्ची में उसने अगर आपको लगता है कि उसने सच्ची में ऐसा किया है काम, तो फिर मेरे को फिर उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसको मीडिया के हवाले कर दीजिए।